अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक अफसोसनाक खबर यह है कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद, जो कि दाऊद फैमिली से बिलोंग करते हैं, एंग्रो कंपनी के वाइस चेयरमैन हैं, वो अपने 19 साल बेटे सुलेमान दाऊद के साथ और भी तीन लोग इनके साथ जो ओशन गेट, जो एक टाइटन नाम की आबदोज है, उसके ज़रिए वो समंदर के नीचे गए थे और टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए। और ये वाकया, ये लोग 18 जून को जो है ना, इनका जो आबदोज है वो पानी में उतरी थी, और पानी में उतरने के 1 घंटा 45 मिनट के बाद इनका जो कनेक्शन था, इनका जो रबता था, वो मुनकते हुआ, और उसके बाद से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। अमेरिका के और कनाडा के जितने भी कोस्ट गार्ड और जितने भी इदारे हैं ओशन के हवाले से, वो सब उनको सर्च कर रहे थे रोबोट्स के ज़रिए और जितने भी उनके पास टेक्नोलॉजी है उन सब के ज़रिए। और अब जाके जो अमेरिकन कोस्ट गार्ड है, उन्होंने ऐलान किया है कि जो चारों पांचों लोग थे इस आबदोज में, अब वो जिंदा नहीं रहे, वो हलाक हो गए हैं। और ओशन गेट कंपनी ने भी ये तस्दीक कर दी है कि अब उनके बचने की कोई भी उम्मीद बाकी नहीं रही। और अमेरिकन यूएसए के जो कोस्ट गार्ड हैं, उनको टाइटैनिक से तकरीबन 500 मीटर के फासले पर कुछ मलबा भी मिला है, और उनका कहना है कि ये मलबा इसी आबदोज का ही है, टाइटन नाम की जो आबदोज है, जो एक प्राइवेट कंपनी की बनाई हुई आबदोज है, उस पर लोग जाते हैं एडवेंचर करने, ज़ेर समंदर चीज़ों को देखने के लिए। तो पाकिस्तान के लिए और दुनिया के लिए एक बहुत ही अफसोसनाक खबर, क्योंकि जो शहजादा सलमान, शहजादा दाऊद हैं, वो एंग्रो के वाइस चेयरमैन भी हैं, दाऊद फैमिली से बिलोंग करते हैं, अहमद दाऊद के बेटे हैं, जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन सनअतकार रहे हैं। तो अब उनकी फैमिली से बहुत ही ज़्यादा इजहार अफसोस भी है कि उनका बहुत बड़ा लॉस हुआ है, ना सिर्फ उनका बल्कि उनके 19 साल का बेटे, वो भी उनके साथ इस मुहिम में शामिल थे, वो भी हलाक हो गए हैं। और सोशल मीडिया पे लोग बहुत अजीब अजीब से कमेंट कर रहे हैं, इनके ऊपर मीम्स बना रहे हैं, लेकिन लोग शायद ये नहीं जानते कि इनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, आप SIUT देख लें, और चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल जो सिविल हॉस्पिटल के पास है वो देख लें, एजुकेशन में इनके दाऊद फाउंडेशन के कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं। तो किसी की भी मौत पर इस तरह के मीम्स बनाना या मजाक उड़ाना, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, बिल्कुल भी एक अच्छी रवश नहीं है। और ना सिर्फ दाऊद, जो शहजादा दाऊद हैं, बल्कि इनके साथ जो 3 और 4 और लोग भी थे, जिसमें एक बरतानवी बिलीनियर भी थे, वो शामिल हैं, फिर इस आबदोज को बनाने वाले जो इंजीनियर हैं वो हैं। तो अब वो सब लोग जो है ना, समंदर पुर्त हो चुके हैं, और अमेरिकन कोस्ट गार्ड का कहना है कि बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो मलबे तक भी पहुँचे हैं वो रोबोट्स ही पहुँचे हैं, अभी तक जो अमेरिकन माहिरीन हैं वो भी नहीं पहुँच सके मलबे तक। तो उनका कहना है कि हो सकता है उनकी जो लाशें हैं वो भी समंदर बुर्द हो जाए, और उनको वापस लाना या उनको निकाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो और लगभग नामुमकिन हो। और कहा जा रहा है कि कोई आबदोज के अंदर ही कोई धमाका हुआ है, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर का धमाका था, क्या था, उसकी वजह से भी हो सकता है कि ये हादसा पेश आया हो और उन सब लोगों की जानें गई हों। तो जो भी है, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।